वेलकम बैक टू चैनल गाइस। और भाई साहब, पता है मैंने बोला था कि वॉइस ओवर नहीं करूँगा एग्ज़ाम तक, लेकिन 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 सुपरसेल ने भाई ये जो नए चार्ट रूप दिए हैं, लिटरली मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने के लिए। मतलब इतने ब्रोकन है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक आप देखो, बैटल लॉग देखो, मेरा लिटरली परफेक्ट डे है। एक अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क लॉस्ट हो गया था, बाकी यार 320 पक्का था आज, परफेक्ट डे ईजीली। मतलब आपको मैं लीडर बोर्ड दिखाऊँ तो अभी इंडिया फोर्थ पे आ गया हूँ, तो काफ़ी अच्छा दिन था ये। और एक्साइटमेंट में मैंने सारे अटैक्स कंप्लीट कर लिए थे, लाइक चारों अकाउंट के बूस्ट मार के अर्ली अटैक्स सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, और सिर्फ एक ही अकाउंट में बचा कर रखा है जिसमें अभी अभी अनलॉक हुआ। जस्ट देख सकते हो, मैं पहले ब्लिज़र्ड लावालून कर रहा था, तो अभी ये वाला लावालून जस्ट अभी अनलॉक हुआ है। तो 5 हिट्स ये अकाउंट में बचे, तो 5 हिट्स एज अ डेमो आप लोग को दिखाता हूँ। और लावालून का मतलब ये वाला लावालून, ठीक है, लावा और बलून अलग अलग नहीं। और आर्मी देख ला, 13 लावालून बस आपको मैं अटैक करके देखा था, एक्स्ट्रा कोई ट्रूप नहीं, सिर्फ 13 लावालून और स्पैम करना। ये क्या बेस मिला है, टाउन हॉल के वहाँ पे इन्वी टावर है, तो वो तो बैटल ब्लिम से मिल ही जाएगा फ्रीज और रीच करके। और एयर डिफेंस की बात थिंग, अपने को लावालून को मतलब डिफेंसेस के ऊपर से चलाना है, तो उस हिसाब के एयर डिफेंस की पाथिंग देखनी चाहिए। इसमें एक एयर डिफेंस तो मैं हीरोज से ले लूँगा, ये 9 o'clock वाला किंग क्वीन। ऊपर स्नीकी दे देंगे ताकि होपफुली हीरोज थोड़ा नीचे की तरफ आए। मोनोलिथ फ्रीज कर देंगे, किंग एबिलिटी और सीसी ट्रूप निकल रहे तो पॉइजन, ठीक है। नॉर्मल सुई वैल्यू को इतनी तगड़ी नहीं थी, बस इधर सब लाल उन स्पैम कर देंगे, लिटरली स्पैम, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बैटल ब्लिम टाउन हॉल के लिए। और अब ये देखो, लाल उन डिफेंसेस के ऊपर से जाएंगे, मल्टी और एक्सपो पर रेज और वार्डन एबिलिटी। देखो मल्टी स्कैटर्स दोनों गए, टाउन हॉल पर रेज और फ्रीज इन्वी टावर पर। नाइस, टाउन हॉल मिल गया, नाइस। और अब देखो यार, लाल उनकी पाथिंग मतलब एकदम सिंपल, एयर डिफेंस टू एयर डिफेंस, और बीच में जो भी होगा सबको डैमेज मिलेगा, मतलब सब कुछ मर जाएगा बीच का, जो भी होगा एयर डिफेंस टू एयर डिफेंस के बीच में कुछ भी रखा होगा सब मर जाएगा। नीचे से बैटिंग चालू कर दी क्योंकि ज़्यादा कोई स्प्लैश डैमेज था नहीं, और आरसी को तो मैंने गिना ही नहीं है यार अटैक में। कैनन को फ्रीज कर देंगे क्योंकि वाई नॉट भाई, कैनन बहुत खतरनाक डैमेज देता है, और एक भी क्लीनअप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास 1 मिलियन बच्चे पैदा जो भी होंगे ये लाल उनके बच्चे रहेंगे, राइट। तो क्लीनअप की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अंडर मिनट मतलब 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अटैक कंप्लीट हो गया भाई, इतना फास्ट, लिटरली भाई ब्रोकन है, कोई ज़रूरत नहीं है बैट स्पेल की। चलते हैं दूसरे अटैक के लिए, और ये भी आजकल बहुत पॉपुलर बेस है काइंड ऑफ, मतलब बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं लेजेंड लीग में। और इसमें टाउन हॉल इजीली मतलब सुई हो सकता है किंग क्वीन से, और एयर डिफेंस की पाथिंग मतलब अपने को ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसेस कवर करने, राइट, ठीक है। तो एक प्लान तो है मेरे पास, ऊपर से क्वीन पहले तो सुई करेंगे टाउन हॉल के लिए वॉल ब्रेक, इधर एनिमी किंग भी है तो आप अपना किंग भी देना पड़ेगा क्योंकि और कोई ट्रूप ही नहीं है टैंक करने के लिए लाल उनके अलावा। किंग वर्सेस किंग, अपना किंग ही जीतेगा फोर्स क्योंकि अपने पास रानी भी है, और किंग एबिलिटी दे देंगे यहाँ से क्योंकि मोनोलिथ था यहाँ पे, और सीसी निकल रहा है तो पॉइजन भी कर देंगे। ओके, डबल आइस गोले में सीसी को तो यार इग्नोर ही करो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये आर्मी के लिए, टाउन हॉल इजीली मिल जाएगा। और यहाँ सब लाल उनकी पाथिंग देखो, ऊपर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसेस कवर करने हैं उसके अंडर में, मतलब ये लाल उनके अंडर में, तो ऊपर से स्पैम कर देंगे वार्डन और स्टोन स्लैमर इधर से क्योंकि बैटल ब्लिम की ज़रूरत ही नहीं है, और रेज कर देंगे। और ये देखो नीचे कुछ भी आया, स्कैटर गया, और अभी एक और रेज करेंगे मल्टी के यहाँ पे। यार स्वीपर ने धक्का दे दिया, वो मल्टी मिस हो गया, कोई ना,
कोर इसका थोड़ा हैवी है, कोर में तीनों तीन मल्टी चाहिए तो ही बैटिंग पॉसिबल हो पाएगी। आरसी आई गेस गलत दे दिया क्या मोनोलिथ पे, स्टोन स्लैमर अच्छे से बात कर रहा है कोर मल्टी के लिए। और नीचे थोड़े बहुत लाल उन बचे हुए, लेट्स सी कोर निकाल पाते क्या नहीं। और कोर वाला मल्टी निकाल दो, नाइस पाथ तो सही किया। स्कैटर्स से आई गेस बैट बॉम्ब कर देंगे फ्रीज करके मल्टी को, नाइस। और अब तो इजीली हो जाएगा, दो फ्रीजेस बचे, नाइस। ये भी बहुत ओवर किल गया क्योंकि इसमें यार आरसी भी इजीली स्वैग हो जाती, क्योंकि आरसी को मिला सिर्फ एक मोनोलिथ जो कि बैट्स इजीली ले ही लेते। और बस कुछ ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, स्पैम करना है, लिटरली स्पैम। बस ये ध्यान रखना है एयर डिफेंस टू एयर डिफेंस के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसेस कवर होने चाहिए बस। आर्मी रेडी हो चुकी है तो चलते हैं फोर्थ हिट के लिए। किंग्समैन, वाह। और ये कैसा बेज है, एयर डिफेंस चारों चार अलग कॉर्नर में, तो काफ़ी अच्छी बात है। एक एयर डिफेंस तो हीरोज से आ जाएगा और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। ये पाथिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसेस कवर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई, ये वाला है डिफेंस तो हीरोज से ले लेते, किंग क्वीन। और ये दूसरा है डिफेंस से हम लाल उन स्टार्ट करेंगे, राइट। और इधर वॉल ब्रेक दे देंगे जस्ट ऐसे ही। और सुई वैल्यू इतनी कोई खास नहीं है, नॉर्मल एक एयर डिफेंस के लिए दे दिया। ऊपर से लाल उन स्पैम बैटल बीम टाउन हॉल के लिए, और स्कैटर पे एक रेज एंड वार्डन एबिलिटी, नाइस। स्कैटर मिल गया, टाउन हॉल पे रेज, टाउन हॉल मिल जाएगा। और टोर्नेडो इसका काफ़ी अजीब स्पॉट पे, तो सब रुक चुके हैं बट ठीक है। इसका भी कोर बच जाएगा वापस से, बट कोई ना लास्ट में कवर हो जाएगा। नीचे रॉयल चैम्पियन दे देंगे, दो विजार्ड टावर भी वहीं पे, तो नाइस। और ये ऊपर वाला मल्टी पे आई गेस बैटिंग करेंगे हम लोग, बैटिंग वही बोलते हैं बैटिंग ही। और आरसीबी नस्त कोर पे जा रही है, बैटिंग स्टार्ट कर देंगे। और मोनोलिथ पे फ्रीज, मल्टी पे भी फ्रीज, और ये भी इजीली हो गया यार। इसमें भी आई डोंट थिंक बैट स्पेल की ज़रूरत थी, क्योंकि यार चार पांच लावलून बचे, आरसी अच्छी हेल्थ में बची है, तो इसमें भी यार बैटिंग समझ लो स्वैग ही समझ लो, राइट। ये भी ओवर किल गया है, इतने सारे लावलून अभी भी जिंदा है। और ज़्यादा मतलब इसमें भी सिंपल प्लान एयर डिफेंस टू एयर डिफेंस के बीच में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसेस कवर कर सकते हो कर लो, और ये आर्मी आपको इजीली ट्रिपल करके देगी, वो भी दो मिनट के अंदर अंदर। आर्मी अगेन रेडी है तो चलते फोर्थ हिट के लिए। और अच्छा ये रिंग टाइप सा बेस है, मतलब रिंग नहीं बोल सकते बट टाउन हॉल सेंटर में, तो और ऐसे बेसिस में चार एयर डिफेंस अलग अलग कॉर्नर पे होते, तो एकदम सिंपल मतलब दो कॉर्नर के एयर डिफेंस अपने दो हीरोज से लेने आपको, राइट। और जो बाकी के दो एयर डिफेंस बचेंगे वहाँ से लावलून आएगा। देखो नीचे वाला तो क्वीन से ले लेंगे और ऊपर वाला किंग से लेंगे वॉल ब्रेक करके, तो ईगल भी एक बोनस में मिल जाएगा, बोनस वैल्यू ऐसे। और दोनों नीचे वाले एयर डिफेंस ले लिए, और जो बीच के जो एयर डिफेंस बचे मतलब ये लेफ्ट टू राइट वाले, वहाँ से लावलून आएगा, टाउन हॉल के ऊपर से जाएंगे, तो आपको मतलब ऑन द वे टाउन हॉल भी मिल जाएगा क्वीन एबिलिटी। और इसमें स्टोन स्लैमर अगेन, क्योंकि ब्लिम की ज़रूरत नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको। और लावलून स्पैम कर देंगे, वार्डन और स्टोन स्लैमर, और थोड़ा आगे जाके रेड स्पेल एंड वार्डन एबिलिटी। भाई साहब ये देखो स्कैटर गया, टाउन हॉल एक सेकंड के अंदर, भाई डैमेज करने का मौका भी नहीं दिया टाउन हॉल को, लिटरली एक सेकेंड के अंदर टाउन हॉल भी गया। और अब देखो मल्टी के ऊपर से जा रहा है, मल्टी भी गया,
ये एक्सबो के ऊपर से जा रहा है, एक्सबो भी गया, मतलब भाई इसको बस आप डिफेंसेस के ऊपर से चलाओ और वो आपको डिफेंसेस देता जाएगा, इतना सिंपल बस फंडा है इसका। और इधर नीचे बेबी ड्रैगन दे देंगे विजा टावर पर, और बैटिंग भी यहीं से स्टार्ट कर देंगे, फ्रीज बैट्स, एक और फ्रीज, नाइस, और ऊपर मल्टी बच चुका है तो आरसीबी वहीं पे दे देंगे। इस बार लावा मतलब जो अपने लालून थे वो मर गए, बट बेस में ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है। नीचे फ्रीज, नाइस, और ये मल्टी बस आरसी जल्दी ले ले बैट्स के पहले, एबिलिटी दे देंगे, नाइस, डिगी ओपी, और इजीली हो गया ये भी। देखा रिंग बेसिस में एकदम सिंपल है, आप कॉर्नर के दो एयर डिफेंस ले लो मतलब ऊपर नीचे वाले, और राइट टू लेफ्ट अपने लालून चलाओ, वो टाउन हॉल के ऊपर से जाएंगे, मतलब टाउन हॉल को एक सेकंड भी डैमेज करने का मौका नहीं देंगे। और क्लीनअप की तो ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि लालून के पफ बचते या तो फिर बैट्स ही इतने आपके फास्ट है, तो क्लीनअप की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस बार भी आप कंपेरेटिव बोल सकते हो थोड़ा लेट अटैक हुआ है क्योंकि 40 सेकंड ही बचे सिर्फ। जैम कर देंगे, जैम जैम जैम, स्पेल को भी जैम, और सीसी ट्रूप भी ले लेंगे, फिर चलते हैं लास्ट हिट के लिए। बॉक्स टाइप सा बेस है और इसमें आप कोर को काइंड ऑफ हैवी बोल सकते हो क्योंकि कोई लावा लून की पाथिंग नहीं है, मतलब एयर डिफेंस टू एयर डिफेंस के बीच में। हाँ इसमें यार हम लोग लावा लून नीचे वाले दो एयर डिफेंस पर चलाएंगे और ऊपर वाले दो एयर डिफेंस को हीरोज से ले लेंगे, नीचे वाला क्वीन से ले लेंगे पहले तो, क्वीन और ऊपर वाला किंग से ले लेंगे, नीचे स्नीकी ताकि किंग एयर डिफेंस की तरफ जाए, नाइस, क्वीन इधर से वाला डिफेंस ले लेगी, इधर एनिमी किंग है तो अपने किंग के अर्ली एबिलिटी दे देंगे एयर डिफेंस, नाइस, और इधर से बस लालून स्पैम कर देंगे स्कैटर शॉट की तरफ से, वार्डन बैटल ब्लिम कर देंगे एंड वार्डन एबिलिटी नाउ, परफेक्ट, नाइस, नीचे रेज, ऊपर टाउन हॉल पे रेज, और बस वेट करना है, नाइस, ये मल्टी मिल जाएगा ऊपर स्कैटर के लिए आरसी, और फ्रीज कर देंगे मल्टी और ये स्वीपर को, कोर में यार कोई लावा लून गया नहीं है। अच्छा ये नीचे की तरफ बहुत सारे बचे, पॉइजन कर देंगे इधर एनिमी आरसी, और भाई सुपर विजर्ड कौन रखता है, इलेक्ट्रो टाइटन तो समझे, सुपर विजर्ड भी नया ट्रेंड खुला है क्या, नाइस, कोर में सारे बलून्स आ चुके तो कोर तो खाली हो जाएगा, और ऊपर वाले विजर्ड टावर पे से बैटिंग चालू कर देंगे आई गेस, यप, फ्रीज बैट्स, नाइस, एक और फ्रीज लगेगी, और यार गलत चालू कर दिया कि नीचे वाला स्कैटर से बैटिंग चालू करनी चाहिए थी शायद, और ऊपर दो फ्रीज कर देता था तो ओवर किल जाता, चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्कैटर में इतनी स्पीड नहीं है कि सारे बैट्स को एक साथ मार सके, और ये भी इजीली हो गया, लाइक कुछ ज़्यादा किया नहीं, दो एयर डिफेंस लिए, लाल उनको स्पैम किया, टाउन हॉल को ब्लिम किया और बेस ख़त्म। देख सकते हो मैं तीन अटैक तो पहले ब्लिजर लालून से किए थे और लास्ट के पांच अटैक जो अभी वीडियो में किए, पांचों पांच ट्रिपल एकदम इजीली, आपके सामने कोई ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, सिंपल स्पैम किए, लिटरली स्पैम, सुपर सेल ने भाई इतने कैसे क्या कर दिया भाई, इतना ब्रोकन ट्रूप मतलब रॉयल गोस्ट से भी ज़्यादा ब्रोकन ट्रूप दे दिए भाई। और ये स्ट्रेटेजी के साथ बहुत लोग जैप स्पेल भी यूज़ करते हैं, लाइक मैं जो बैट स्पेल यूज़ कर रहा हूँ उसके जगह जैप स्पेल यूज़ करते हैं एयर डिफेंस को जैप करने के लिए, तो वो भी बहुत पॉपुलर, स्टार्स भी आएगा जैप के साथ यूज़ कर रहा है, तो मतलब यार किसी के साथ भी यूज़ करो, आर्मी ब्रोकन है राइट, तो स्ट्रेटेजी आप भी यूज़ कर सकते हो। वीडियो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।